हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके ग्लोजोन। और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक DIY फेशियल का है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये फेशियल जो है, आप 18 साल की लड़की से स्टार्ट करके आप लास्ट 60, 65, 70 कोई भी एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट किया, वो आई थिंक टीनेजर है। सो उन्होंने बोला छोटी एज के लोगों के लिए कोई फेशियल बताएं। तो एलोवेरा फेशियल जो होता है सबसे बेस्ट होता है जो जिनकी एज कम है उनके लिए, क्योंकि उनके फेस पे थोड़ा कम पिगमेंटेशन होती है, कम चीजें उनके फेस पे जो होती है ना खराब होती है, लाइक पिगमेंट। जैसे जो एजेड लेडीज होती हैं उनके ये पिगमेंटेड होते हैं थोड़े से। बट उसकी जगह पे अगर आप टीनेजरों की बात करें तो उनका थोड़ा सा स्किन थोड़ी कम खराब होती है, तो उनके लिए एलोवेरा जेल वाला जो फेशियल है वो बेस्ट है। ये फेशियल आप तभी भी कर सकते हैं, कभी आपको अपनी फेस डल लग रहा है तब भी कर सकते हैं, फेस पे ग्लो चाहिए तब भी कर सकते हैं, फेस गोरा चाहिए इंस्टेंटली तब भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप फेशियल करवाना भूल गए हैं पार्लर से, या फिर नहीं करवा सकते हैं, या फिर करवाना नहीं चाहते हैं फेशियल, तो आप घर पर इस फेशियल को इजीली कर सकते हैं। सारी होममेड चीज़ें यूज़ करूंगी इसमें, कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ नहीं होगी। इसको स्टूडेंट, टीनेजर्स, जो लेडीज होती हैं और जो हाउसवाइफ्स होती हैं, सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे की जितनी भी वीडियो होगी सारी जो है मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है, विदाउट फैन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आगे की वीडियो में वॉइस ओवर मिलेगा। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ एक ये पूरी एक एलोवेरा की लीफ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और जहाँ से कट करते हैं ना वहीं से थोड़ा सा इसको थोड़ी देर रखना होता है, क्योंकि इसमें से येलो कलर का एक पार्ट निकलता है, वो स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको पहले आप ला के 5 मिनट तक अलग रख दें और इसमें से जो येलो पार्ट निकल जाए इसका, उसके बाद इस्तेमाल करें। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। मैं ये नहीं करूँगी कि पल्प अलग से निकालूँगी उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी मैं। इसी चीज़ से इसको कट कर दिया मैंने बीच से और ऐसे ही मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज सारे डर्ट पोल्यूशन सारा निकलेगा, उसके बाद ही स्किन जो है ब्राइट होती है, चमकती है। तो मैंने इसके लिए लिया है एलोवेरा जेल का लीफ का, और उसके अंदर मैंने डाला है 2 बूंद जो है कच्चा दूध। अगर आप कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप सिर्फ एलोवेरा से भी क्लिनजिंग अपने फेस की कर सकते हैं, बिकॉज क्लिनजिंग के लिए एलोवेरा जेल भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो इससे आपने फेस को अच्छे से मसाज दीजिए कम से कम 4 से 5 मिनट तक। फर्स्ट जो स्टेप है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इसको ज़रूर करें। और जैसे मैंने अभी ये फॉक्स से प्रिक किया है इसको, आप ऐसे बीच बीच में प्रिक करते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करते हैं ना तो ये ड्राई होने लग जाता है ऊपर से, बट पल्प इसमें होता है अंदर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको बीच बीच में प्रिक करते रहें और उसके बाद इसको मसाज करते रहें। तो मेरे को 5 मिनट तक इसको अच्छे से मैं मसाज करूँगी। मैं तो इसको नॉर्मल भी, अगर मेरे को फेशियल पूरा नहीं करना होता तो मैं एलोवेरा जेल की लीफ लेती हूँ, उस पर कच्चा दूध डालती हूँ और अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करती हूँ। आप देखें मेरा फेस कितना अच्छी तरीके से क्लेंस हुआ है, साफ अभी से ही लगने लग जाता है। ओके, सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग का, जो हर फेशियल में होता है। तो मैंने वैसे ही किया है सेम, दूसरा मैंने लीफ लिया है क्योंकि उसका ऑलमोस्ट पल्प यूज़ हो चुका था। तो सेकेंड लीफ मैंने लिया है और इस लीफ से मैंने इस लीफ के ऊपर डाला है थोड़ा सा चीनी, शुगर, आप वो डालें और उससे अपने पूरे फेस को मसाज दें। ये इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी सी स्क्रबिंग भी हो जाएगी और जो इसके ग्रैनुल्स होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे चीनी के, उससे आपकी स्क्रबिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कई लोगों को स्क्रबिंग यूज़ करने से रैशेज आ जाते हैं, डार्क जो होता है पैच पड़ जाता है, कोई रेडनेस आ जाती है, बट आपको इससे कोई भी रेडनेस, किसी भी तरीके की इचीनेस कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं इसको हाथों से मसाज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्टली मसाज हो रहा था इससे। तो अभी थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा टाइटली रब किया है अपने नोज़ एरिया साइड पे, अपने जो है लिप्स के साइड पे जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसको अच्छे से मैंने हाथों से स्क्रबिंग किया है। उसके बाद वापस से मैंने वही गीले टॉवल से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है।
तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप भी हमारा डन है ऑलमोस्ट। अब यूज़ करेंगे हम थर्ड चीज़ें। ओके, तीसरे नंबर का जो हमारा स्टेप है वो एक्चुअली इसके ना मैं कांटे हटाना भूल गई थी, साइडों पे जो छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं तो ये फेस पे लग जाते हैं, इसलिए इसको भी आप साइड से हटा लें। तो थर्ड जो है मसाज मैं फेस की दूंगी, बहुत ही, वैसे तो कईयों में ये स्टेप नहीं होता है, सीधा स्क्रबिंग के बाद एक क्रीम दे दी जाती है उससे आप पूरे फेस को मसाज कर लेते हैं, तो क्रीम की जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा दो बूंद के आसपास इसमें मैंने शहद डाला है, आप चाहे जो और डाल सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से पूरे फेस पे आप मसाज करिए। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लेंज होता है फेस, बहुत ही अच्छे से फेस को नरिशमेंट मिलता है, जो स्क्रबिंग की वजह से फेस पे जो भी दाग, मतलब जो लाइंस वाइंस आ जाती हैं उसको भी ठंडक पहुंचाता है ये। तो ये थर्ड स्टेप जो है वो कभी भी आप मिस ना करें, ये ना सोचें कि भाई टाइम नहीं है तो फटाफट स्क्रबिंग करके फेस पैक लगा लेते हैं, पर ऐसा मत करना, थर्ड स्टेप को ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद अब जो मैं बना रही हूँ वो ग्रीन टी मास्क बना रही हूँ। ग्रीन टी को मैंने सबसे पहले 1 चम्मच ग्रीन टी लिया है और इस ग्रीन टी को मैंने पानी से भिगा दिया है, क्योंकि ना हम कई बार क्या होता है कि ड्राई ग्रीन टी ले लेते हैं, ड्राई ग्रीन टी ली उसके ऊपर एलोवेरा जेल डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि वो स्किन पे जो होती है हार्श होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा इचिनेस इससे हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं। तो अगर आप इसको भिगा के लेंगे तो आपको कभी भी इचिनेस और रैशेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, और जो ग्रीन टी होती है वो एंटी एजिंग होती है, जिनको एक्ने प्रॉब्लम रहती है, फेस पे दाग धब्बे रहते हैं ज़्यादा, जो पिंपल हो गए, पिंपल ख़त्म भी हो गए फिर भी उसके दाग धब्बे रह गए हैं, तो उसके लिए आप जो है ग्रीन टी, जो ये मास्क है इसको नॉर्मली खाली विदाउट फेशियल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मास्क है। 2 मिनट तक ग्रीन टी को भिगाएं, उसके बाद उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें और फिर उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं कुछ भी इसको रगड़ना नहीं है फेस को, इसको ऐसे ही आराम से अपने फेस को वेट टॉवल से पोंछें और उसके बाद अपना फेस को वॉश कर लें, तो आपका फेस वैसे ही इतना चमक जाएगा, हज़ारों रुपये मार्केट में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर पर ही होममेड फेशियल कीजिए। इसके बाद लास्ट में भी हमको कोई क्रीम नहीं लगानी, हमको लगाना है एलोवेरा जेल। गाइस, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।